नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विला और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेल पोटेंशियल क्या होता है। सेल पोटेंशियल को हम ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ईएमएफ की। एक्चुअली ईएमएफ इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू हाफ सेल्स ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Like in this case, this is electrochemical cell. This is whole electrochemical cell you can see, and this part is anodic and this is cathodic part. So these two parts are half parts of electrochemical cells. So यहाँ पर इसमें इस इलेक्ट्रोड और इस सोल्यूशन के बीच कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड का डिफरेंस होगा जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके साथ साथ इन दोनों हाफ सेल्स में कैथोड और एनोड की तरफ वाली हाफ सेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसी डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर ऐसे कहें जो एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ सेल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब एनोडिक जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है और कैथोडिक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। मतलब ये यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। दोस्तों जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट कहाँ फ्लो होगा, कैथोड से एनोड की तरफ, और ये करंट फ्लो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है। ये वोल्टमीटर हम लगा देते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो उस केस में हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं। मतलब ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। दोनों सॉल्यूशंस जो हैं 1 मोल कंसंट्रेशन के होने चाहिए। यहाँ पर ये भी क्या होना चाहिए, 1 मोल कॉपर सल्फेट, ओके। और ये अपनी स्टैंडर्ड सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई गैसियस फेज इन्वॉल्व है तो वो 1 एटमोसफियर प्रेशर पर होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। इस केस में गैस इन्वॉल्व नहीं है। तो जब भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, उसको हम लेस कर देते हैं और हमें सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाता है जिसे हम ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका मतलब ये होता है ऐसा फोर्स जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड का सीधा मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पर हमेशा हम रिडक्शन पोटेंशियल्स ही लेते हैं, ओके। तो ये फॉर्मूला है सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने का, जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल का बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन दी गई है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन एक्वस गिव्स यू जिंक आयन प्लस कॉपर। सो इस केस में आपको दिया गया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना, 0.34 वोल्ट,
और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना दिया गया है, -0.76 वोल्ट। आपको पता है ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का, मतलब EMF फाइंड करने का। तो आप EMF कैसे फाइंड कर लेंगे, ये क्या है, ये है, ये एक्चुअली EMF है जिसको हम फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको भी लिख के बताता हूँ, यहाँ पर इसको हम EMF भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिस्टम मोमेंट, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। और आप देखिए यहाँ पर कॉपर का हमने रिडक्शन पोटेंशियल रख दिया माइनस जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, क्यों, कॉपर क्या है कैथोड का और ये जिंक क्या है एनोड, तो हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी और आपको फाइनली ये मिल गई 1.10 वोल्ट, जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ये वैल्यू आती है। मतलब ये जो डेनियल सेल है उस केस में, स्टैंडर्ड केस में जो सेल का पोटेंशियल होता है जिसे हम EMF या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, 1.10 वोल्ट आता है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं सीधे आपको किस फॉर्म में दी गई हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, वैल्यूज़ एक वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, दूसरी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में दी रहती है, तो उस केस में आप दोनों को या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में या फिर रिडक्शन पोटेंशियल में, जनरली हम रिडक्शन पोटेंशियल में ही चेंज कर लेते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, मान लीजिए ये वैल्यू आपको दी होती, जैसे ये वैल्यू है आपको यहाँ तो रिडक्शन पोटेंशियल में दी है, लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दी जाएगी तो ऐसे दी जाएगी E₀ Zn2 Zn2+2। यहाँ पर जिंक किस में ऑक्सीडाइज हो रहा जिंक आयन में, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो अब इसको आप रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लेंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने से पहले, Zn2+2 Zn -0.76 वोल्ट। देखा यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सेल का या फिर EMF। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताएं दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैं कुछ दिनों बाद लाइव सेशन करूँगा यूट्यूब पर। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँगा और आप डायरेक्टली हमसे क्वेश्चंस पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।